हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैंने बनाया है एक पतीसा, जो हल्दीराम का पतीसा होता है, बिल्कुल वही टेक्सचर और वही टेस्ट इसका आया है जो मैंने बनाया है। और ये वैसे तो ये बड़ी ही टफ रेसिपी है और पतीसा बनाने वाली, बट मैंने इसे बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ बनाया है, बहुत ईजी तरीके से बनाया है। और यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ इसके पीसेस भी दिखा देती हूँ कितने अच्छे और लेयर्स के साथ में निकल के आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पतीसा बनाना। यहाँ मैंने लिया है 50 मिलीलीटर घी, यानी कि क्लेरिफाइड बटर, और इसमें ऐड किया है 150 ग्राम बेसन, यानी कि चिकपी फ्लावर। गैस को मैंने बिल्कुल कम रख लिया है और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। आप इसे बिल्कुल भी छोड़े नहीं, कंटिन्यू चलाते हुए भूनें, ताकि इसमें जो इसके फ्लेवर हैं वो बहुत निखर के आएँ और ये जले भी ना। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो बेसन है वो घी के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स होता जा रहा है और वाटरी फॉर्म में आता जा रहा है। धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा वाटरी जैसा हो जाएगा और इसमें से अरोमा बहुत अच्छे से आने लगेगा। हमें इसका कलर जो है वो गोल्डन होना चाहिए और कुछ इस तरह का कलर अभी आने लगा है। यहाँ आप देखें, पीले से ही गोल्डन कलर में हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि यही इसका कंसिस्टेंसी और यही कलर हमें चाहिए था। तब तक हम बनाते हैं शुगर सिरप। इसके लिए मैंने 150 ग्राम शुगर लिया है और यहाँ 25 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया है। इसे हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ग्लूकोज सिरप। ये बहुत ही इजीली मार्केट में या सुपरमार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ मैंने 2 स्पून इसके ऐड कर दिए हैं। और मिक्स कर लें। चाशनी को बॉईल होते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर मैंने डाल दिया है कार्डमम पाउडर, यानी कि इलायची पाउडर। चूँकि ये जो चाशनी है, हमें इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल हार्ड चाहिए, कि जब हम इसे ब्रेक करें तो ये टक की आवाज़ के साथ में टूटना चाहिए। तो एक ठंडे पानी के बॉल के अंदर मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप डाला है, ताकि हम चेक कर सकें कि इसका कंसिस्टेंसी अभी क्या है। इसे मैंने साथ में इकट्ठा किया और अपने फिंगर्स में लेकर के जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे देखूंगी कि ये टूटता है या नहीं। तो यहाँ देखिए, ठंडा हो चुका है। मैं अब इसे हाथों से तोड़ देती हूँ। तो ये टक की आवाज़ के साथ टूट गया है, यानी कि हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला शुगर सिरप रेडी हो चुका है। अब हमें सारी जो प्रोसेस है वो बहुत क्विकली करना है, क्योंकि जैसे शुगर सिरप ठंडा होगा ये शुगर के फॉर्म में आता जाएगा। तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे बेसन के अंदर, जो भी अभी हमने रोस्ट किया था, और इसे फटाफट से मिक्स करके, यहाँ हम इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसमें लेयर्स अभी आपको दिख रहे हैं। और हाँ, आप इसे जब भी मिक्स करें तो एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करें। अब मैं एक फोक या स्पून के हेल्प से इसे पुल करूँगी, कुछ इस तरह से आप भी पुल करें, ताकि इसमें फटाफट से लेयर्स बन जाएं, कुछ इस तरह से। जो पतीसा के अंदर लेयर्स होते हैं वो इस तरह से इसमें आ जाएंगे। बस, तो ये हो चुका है। अब हम इसे बटर पेपर के ऊपर या फिर ग्रीस की हुई प्लेट के ऊपर निकाल देंगे। तो अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ बटर पेपर के ऊपर। इसे हम थोड़ा सा प्रेस करके सेट कर लेंगे। और अभी हम इसके ऊपर कुछ पिस्ता और बादाम की जो कतरन है वो डाल देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इमीडिएटली इसे पीसेज में कट कर लेंगे। तो यहाँ बनकर रेडी है हमारा पतीसा। ये गर्म हो तभी आप कट कर लें, ताकि आपको आसानी हो इसे कट करने में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।